नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से प्लास्टिक के बिजनेस के बारे में। दोस्तों सामान्यतः देखा जाए तो आम तौर पे घर के अंदर या बाहर हमारे या आपके पूरे संसार के दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो प्लास्टिक का उपयोग हूबहू हो रहा है। अभी के टाइम में देखा जाए तो इसका डिमांड गांव हो या शहर, गली हो या मोहल्ला, हर जगह प्लास्टिक के सामान बर्तनों का उपयोग किया जा रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी बिजनेस भी लोग कर रहे हैं। दोस्तों इसके बिजनेस अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और कम लागत में कैसे शुरू कर सकते हैं और ज्यादा लागत में कैसे शुरू कर सकते हैं और मुनाफा कितना कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मतलब मैं पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्त चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा एक और चैनल जो ब्लॉगिंग चैनल है वीके पुराना, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को, प्लास्टिक ही नहीं, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो बात आती है वो कितना उसमें लागत लगेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी सबसे पहले हम लागत की बात करेंगे कि आप इसमें कितना पूंजी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लागत के अगर बात की जाए तो प्लास्टिक के जो बिजनेस है इस बिजनेस में लागत उस पर निर्भर करता है कि आप उस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहते हैं। आप दुकान करना चाहते हैं या घूम करके बिजनेस, मतलब घूम करके बेचना चाहते हैं, घूम करके व्यापार करना चाहते हैं, वो भी घूम करने के व्यापार में दो तीन तरीके हैं कि आप चाहें तो लाखों रुपए का सामान लेकर, मतलब एक मतलब आप खुद का निजी गाड़ी के द्वारा, ऑटो या पिकअप के द्वारा बेचना चाहते हैं या साइकिल के द्वारा बेचना चाहते हैं या मोटरसाइकिल के द्वारा बेचना चाहते हैं। दोस्तों इसमें बारीकियों को समझने की जरूरत है। औसतन दोस्तों अगर देखा जाए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि अगर प्लास्टिक का व्यापार छोटे स्तर पे, बहुत छोटे स्तर पे अगर घूम करके बेचना चाहते हैं, साइकिल से घूम करके बेचना चाहते हैं, तो लगभग 2 से 5 हजार रुपए की आवश्यकता होती है। मतलब साइकिल पे जितना सामान आएगा उतना ही घूम कर आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों 2 से 5 हजार रुपए की आवश्यकता है। अगर इसी बिजनेस को अगर मोटरसाइकिल के द्वारा घूम कर बेचना चाहते हैं, वहां पे रख करके बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको उससे ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसी बिजनेस को अगर आप फोर व्हीलर के जरिए, आपके पास निजी गाड़ी है, अगर फोर व्हीलर के जरिए लेकर घूमना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें आपको 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की आवश्यकता होती है आप उस बिजनेस को शुरू करें। तो ये आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उस बिजनेस को करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका उसका दुकान करना चाहते हैं, मान लीजिए कहीं एक जगह दुकान करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इतना ही लागत में हो जाए या इससे और ज्यादा लागत आपको लगानी पड़े। तो दोस्तों ये हो गई लागत की बात, इसमें आपको कितना लागत लगेगा ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों जो दूसरी बात है कि सामान कहां से खरीदें, मतलब आप माल कहां से खरीदेंगे ताकि आप अच्छे रेट में उसको मतलब बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों निश्चित तौर पे मान लीजिए कोई भी सामान अगर फैक्ट्री से खरीदते हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा होगी, लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो कहां जाएंगे फैक्ट्री में। तो निश्चित तौर पे आप जो थोक विक्रेता है आपके जो जहां पर रहते हैं वहां से लगभग जहां भी मतलब बड़ा शहर है जहां पे सीधा फैक्ट्री से माल आता है दोस्तों, वहां से आप थोक विक्रेता के पास से आप माल होलसेल रेट में खरीद कर उसको फुटकर में आप बेच सकते हैं। निश्चित तौर पे इसमें कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, हर जगह आपको थोक विक्रेता मिल ही जाएंगे आपके शहर में जहां भी रहते हैं या गाँव में जहां भी रहते हैं वहां शहरों में आपको मिल जाएंगे। ये भी हो सकता है कि जो थोक विक्रेता है आपके घर से 1 किलोमीटर एरिया पर हो या पास में ही हो या आपके गाँव से काफी दूर पर भी हो, 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर भी हो, तो दोस्तों आप वहां से माल खरीद सकते हैं। अब रह गई बात इसमें मुनाफा की बात, तो दोस्तों निश्चित तौर पे अगर आप कोई भी इसमें प्रोडक्ट, अगर प्लास्टिक में जिस भी चीज का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, मतलब इसमें अनेकों सामान है, आप अगर ज्यादा पूंजी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर अगर गाँव के हिसाब से गाँव के वो सारे सामान आप खरीद कर बेच सकते हैं जो गाँव में लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, जग्गा प्लेट
जैसे अनेकों सामान है जो हमको भी जानकारी नहीं है कि इसमें कितने प्रकार के सामान आते हैं, कप प्लेट चम्मच वगैरह, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं प्लास्टिक के जो आजकल हमारे जीवन में यूज हो रही हैं और आने वाले टाइम में भी इसका उपयोग और प्रयोग होता ही रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अनेकों प्रकार के आप बिजनेस के रूप में अनेकों प्रकार के सामग्री रख कर बेच सकते हैं। लागत के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 25-30% आपको मतलब उसमें मार्जिन आपको मिलेगा, आप उसको बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, आप खुद जाकर वहाँ पता कर सकते हैं कि ये कितने में आप इसको फुटकर में बेचेंगे और थोक में ये कितने रेट में मिलेगा। दोस्तों पता करने के बाद ही आप इस बिजनेस को कीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम इतना कह सकते हैं कि जो भी लोग इसका व्यापार कर रहे हैं वो बिना मुनाफा के नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं। उनसे भी नहीं पता है तो आप सीधा सीधा होलसेल दुकान पे जा करके पता कर सकते हैं कि ये कितने में आपको मिलेगा, आप इसको बेचेंगे तो आपको कितना कमाई होगा। तो निश्चित तौर पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।